तेरे वास्ते मैं मार्केट से टमाटे लाऊंगा, उसमें अंडे डाल के नजदीक नजदीक सालन बनाऊंगा। तेरे वास्ते मैं मार्केट से टमाटे। रुको, कौन तुम? टू बी ऑनेस्ट, तुम्हारा रिश्तेदार फ्रॉम बीदर। क्या करते तुम? टू बी ऑनेस्ट उंगली करता हूँ। यहाँ के कोई फिर? टू बी ऑनेस्ट यहाँ के पता लग जाके दूसरे घरों में बोल ले। ये कौन सी बीमारी? टू बी ऑनेस्ट जलन की बीमारी। क्या मिलता इससे? टू बी ऑनेस्ट सुकून। एवरी रिश्तेदार फील्स दैट। क्या करेंगे? रिश्तेदारों के बारे में रील्स बनाएंगे। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये रिश्तेदार है देखो, एकदम बेकार लोग रहते। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो, एक रुपया तो भी। क्या रे, रिश्तेदारों के बारे में क्या बोल रहा? ओ, अम्मी के तरफ के रिश्तेदारों के बारे में बना रहा हूँ पप्पा रील। अम्मी के तरफ वॉइस मेरे तरफ मस्त लोग है। तू मेरा खून है, हमारे खानदान को सपोर्ट करना। हाओ हाओ पप्पा हाओ। हाँ वॉइस बोल रहा हूँ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये रिश्तेदार हम बोलते से लोग हैं, एकदम बेकार लोग हैं। अरे क्या बोल रहा है रिश्तेदारों के बारे में? वो पप्पा के तरफ के रिश्तेदारों के बारे में बोल रहा हूँ मैं। तुम्हारा मालूम ना अम्मी, मैं मम्माज भाई, मम्मा किधर मैं उधर। हाँ वही बोल रही हूँ, हमारे तरफ के पूरे खतरनाक रिश्तेदार हैं, तुम्हारे पप्पा के तरफ के कंत्रियाँ हैं। हाओ हाओ अम्मी, कंत्री लोग। मम्मी के तरफ नहीं, पप्पा के तरफ नहीं, रिश्तेदार बोलते बेकार। अपलोड 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख का खर्चा है तो भी गम नहीं है भाई, लेकिन आदमी को रिश्तेदार नहीं रहना भाई। कोसा जन्म में कोसा पाप करागी, ये जन्म में इतना फिकर करने वाले रिश्तेदार मिले मेरे को। रिश्तेदार बात करे तो बात करे जैसा नहीं दिखता, मुंह से जहर उगले जैसा दिखता। कौन बोले जी? गुलाब कुछ तेज काटे रहते बोल के, हमारे रिश्तेदारों के जवान पे देखो इतने इतने तेज काटे रहते, खाली बात करते ताकि जिप बोल के दिल में चुभना। मेरे खुद के लाइफ पे मेरे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे रिश्तेदारों को मेरे से ज्यादा इंटरेस्ट है मेरे लाइफ पे। क्या हो रहा है फरीद, परसों बिरयानी खिलाता हूँ बोला सबको? खिलाता हूँ रे मामा, पैसे आने का है आंदे। अरे पैसे आए ना रे, कल देखा मैं फोन पे में। वाह इनिस देखना आए। ओ आए रे, चल बिरयानी खिलाए था। चल चलो था, क्या करते? अरे एक मिनट रे, अम्मी फोन कर रहे। हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। क्या मामा आए आ रहा हूँ घर को। क्या रे मामा? अरे तुम ना खाने जा रहे हो, मैं जरा मामा आएगा तो जाके आता हूँ। टी शर्ट अच्छी है रे, मामू लेके आए फिर। बो बोर मार रहा रे, कहाँ तो जाएंगे? कहाँ जाएंगे रे? वरंगल जाएंगे। चाय पिला रहा, चल पिला दो। अरे कार निकाल रहे, कार में जाएंगे। चलो एक मिनट, अम्मी फोन कर रहे। हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। पप्पा आए घर को, आ रहा हूँ। अरे मामू घर को पप्पा आएगा तेरे, जरा जाके आता हूँ, तुम ना चाय पीने जाओ रे। रे मामा चल रे, चल हमारे को पिलाओ, चलो चाय। चल पट्टे जरा सिगरेट पिलाना रे। तेरे बच्चे के लिए छोड़ दिया बोला? ओ छोड़ दिया फिर उसको। हाँ सुपर रे तू, सिगरेट पिलाओ पहले। अरे मैं पिला दूँ, चल रे भाई अड्डे पे चल। चल अरे एक मिनट रे, फोन आया। अम्मी अम्मी, हेलो अम्मी, क्या चाचा आए घर को? ठीक है आ रहा हूँ अम्मी। अरे घर को चाचा ही कहते हैं, जरा जाके आता हूँ। सिगरेट के पैसे देके जा रहे रे, फोन पे करता हूँ। चाचा के साथ सेल्फी लियो आप, शर्म है रे तेरे को? काय करे, टेंथ बॉर्डर पास, इंटर 5 साल से लिखता है। असल क्या करना चाह रहा रे तू? प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, मैं जा रहा हूँ यूके को। इंटर फेल हुए यूके जाता कहते मामा। यूके आर यू ओके? पागल हो गया रे मामा, वीजा लग गया मेरा, नेक्स्ट मंथ ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। मामा मुबारक मुबारक, शुक्रिया शुक्रिया। मैं पूछ रहे आर यू ओके बोल के? चुप बे चुप। उन्हें पढ़ लिया, वीजा अप्लाई कर लिया, जा रहा दावत दे रहा। अरे मेरी तरफ से जात की दावत, चल मंदी लाता मंदी। अरे चल रहे भाई, चल मामा चल। अरे एक मिनट, इसको फोन आया बोलते सोचता रहे मैं। अम्मा अम्मी फोन कर रहे। हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। छोटे मामा है घर को, अब मैं घर को आना नया दो, घर को नया दो, क्या कर रहे थे कर लो।
साहिबा है, मामा है, छोटे मामा है, पुप्पा है, कहीं को उलाए तो मैं घर को आना, चाय पिला के भिजा दो। मैं कहीं को बोलो जी, मैं कहीं को इतने रिश्तेदार कभी तकलीफ में आए? खाली खाने आ रहे, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा अम्मी, मैं नहीं आता घर को, जाओ। हेलो हेलो अम्मी, अम्मी कट कर दिया रे, मेरी बात सुनेज नहीं, झाड़ू कटे से मारते, तुम्हारा मन दिखा लो, मैं जरा घर को जाके आता हूँ। जाओ अब पूरे रिश्तेदारों के मिले बाद हम लोगों को मिलो, चल मामा हमारे खिलाता की चल रहे। तेन तो फेल कहाँ है रे सैफ, अभी नहीं आ रहा। पटे कल गोवा जाने का याद है ना, भागा भागा पैसे सब सेट, तो सेट कर लिया रे? सेट, मैं भी सेट। अरे मामा कल नहीं हो सकता रे, कल मामा से छोटा काम है। अरे लास्ट टाइम भी मैसेज करा रहे तू वही जाके जब। अरे सही में काम है मामा। ए चुप बे चुप, सुबह उठे तो मामा, रात हुई तो मामा, मामा मामा मामा, दोस्तों ने मेरे तो भी मामा रे। मामा के पास गए तो पैसे आते ना रे, चार पैसे देते मामा, अपने पास आए तो? हाँ पैसे नहीं आते। अरे पटे पटे नको रे, तुम लोगों को असलियत नहीं मालूम, जब मैं सेकेंड क्लास में था मेरे पापा का इंतकाल हुआ, मेरे को मेरे अम्मी को मेरे दो भाइयों को किधर जाना समझ नहीं आ रहे, वो टाइम पे हमारे बड़े मामू हमारा हाथ पकड़े रहे, पाल के पढ़ा के खुद जिंदगी लीड कर सो तो पोजीशन दिए रहे, आज उनके हर बात पे जी मामा हाँ मामा आ रहे मामा ये बोलना आदत हो गए रहे हमारे को, वो डर नहीं होता रहे, रिस्पेक्ट उनको हम लोग देते सो रिस्पेक्ट, जिंदगी दिए उसको इज्जत नहीं दिया तो कैसा रहे। लेकिन एक बात पक्का बोल सकता हूँ मैं सबको, क्या भी रहो नको रहो मेरे ऐसे एक मामू रहना रे, बस मेरे पापा मेरे को दुनिया में लाए रहे, लेकिन हमारे को जिंदगी दिए सो हमारे मामू रहे, उनको नहीं बोल के नहीं बोल सकता हूँ रे। तुम लोग हट्टे तो सॉरी, लेकिन मामा के पास जाना पड़ता रे मेरे को, तुम लोग जाओ नेक्स्ट टाइम जाएंगे अपन को। ए नहीं मामा नहीं, तू फ्री है जब भी जाएंगे रे अपन। ए मामा माफी चाह रहा रे, जो मुंह को आया वो बोल। ए नहीं नहीं तुम लोग नहीं मालूम आ रहे, बाद में करेंगे ले रे, सुकून से कर लेंगे क्या है, सब मिलके जाएंगे अपन फ्री है जब। तू कल जाके मामू का काम कर ले, नेक्स्ट टाइम हाथ में देता हूं पक्का पक्का। चलो चाय पीएंगे, चलो चल रे। आजकल सिटिया में घर को खटके नहीं लगाते हैं। हाँ क्या जी, मैं तो चार खुफलांग डाल के आई घर को। चोर आ गया फिर। अस्सलाम वालेकुम पप्पू, अस्सलाम वालेकुम पप्पा। हाँ वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अम्मी कहाँ है रे सैफ? ऑफिस को गए ना अम्मी। वहाँ कहाँ गए रे? पापा भी ड्यूटी पे जाते। हाँ काम गए। कुछ काम से है क्या पप्पा? वो तुम्हारे पप्पा पेंटर ना, तो घर में जरा पेंट के बगीचा बहुत हो गए, तो वही बेचने आए थे सिटी को। कहाँ बैठा तुम्हें, कहाँ बैठा? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हो रहे सैफ? हो फुप्पा फुप्पू बोल को आता था, वो आता ही नहीं है। तुम्हारी बेटी को दूसरे को देके शादी करे ना, मैं कहीं को आ तुम्हें था। क्या हो रहे क्या हो? नहीं वो इंटरव्यू चल रहे फुप्पा, इसलिए नहीं आ रहा हूँ, आ तुम लो। आजकल के पट्टे पूरे मुंह में गुंगी बोलते हैं, बाहर कोई भी नहीं बात करता है। हाउ फुप्पू, ए फुप्पा चुप के यू मुंह टेढ़ा करते हैं क्या? जवानी में तुम्हारे फुप्पा बहुत पाना खाते हैं ना, तो डॉक्टर नक्को खाओ बोला, इसलिए ऐसा मुंह टेढ़ा कर रहे हैं। जब भी पान की तलब होती वो डब्बा खोल के बोस उनके दिल खुश कर लेते। बोल रही पूरे बोल, किडनी में फतर आई, फेफड़े खराब हुई, सीधा चलने नहीं आता, दो दिन के एक बार हकता, पूरे बोल। ठहरो जी, क्या है बच्चे के सामने? मैं भी बोल रहा हूँ, बच्चे के सामने क्या बोल के? पुट्टा लंबा चौड़ा अच्छा है रे, लेकिन कलर इसे रजनीकांत का है। कलर का क्या है जी, गुण अच्छा रहे तो बस है। क्या ही बोल रहे बेटा, तेरे मिलने वाले ससुराल किस्मत वाले रे, तेरे ऐसा काम बोला पट्टा मिल जा। वो किस्मत क्या कि तुम्हारा था लो, मगर यूटर्न मार दिया तुम्हारी किस्मत। क्या क्या बेटा क्या हो? कुछ भी नहीं, अच्छा रिश्ता है तो देख के कर ले, तुम बोल रहा हूँ। ये आजकल के पट्टे गुई गुई बोलते रहते हाओ, लेकिन इतने को क्या पढ़ता है रे तू? फिलहाल एमटेक कर रहा हूँ। टेंथ भी पास नहीं हुआ रे? टेंथ पास हो को, इंटर पास हो को, बीटेक पास हो को, एमटेक कर रहा हूँ अब। ये फिर एमटेक में लाइफ है रे? जबरदस्त लाइफ है बोल के ना एमटेक कर रहे सब। तू खामोश हुआ, होटल मैनेजमेंट कर रहा था हमारे घर के पास। हूँ आरिफ हूँ, कितना पोटर यू नू
होटल मैनेजमेंट कर को इंजीनियर बनिया, हमारे घर के बाजू बुर्ज खलीफा को घर बनिया, हमारे गांव में ओज बड़ा घर। उठो उठो सैफ, इधर एक बार। वाह, सेम मेरे भैया के जैसे दिख रहा। वो जरा अम्मी पापा को अच्छा देख ले, लड़ाया वड़ाओं में नक्को जा, गाड़ियाँ जरा हल्लू चला, और पानी के पास भी नक्को जा दोस्तों के साथ। अरे वो पोटिया के पीछे पड़िश ना करे तू, इतना पोटिया को तेरे पर केस लगा को रोई सम स्टेशन में, तेरी जिंदगी बर्बाद। असल इसे बीच में वो पवनिज्म ज्यादा हो गया। पवनिज्म नहीं होता जी पप्पा, फेमनिज्म बोलते उसको। कौन सा केक इज्म, लेकिन वो औरत पोटिया मर्द पोटिया को पकड़ को मारते है रे, कहाँ जाती है रे दुनिया। अरे साहब ये पैसे रख ले। ए नाको पप्पू। अरे रख ले साहब। नाको जी। नहीं तू रख ले, मेरी कसम तेको रख ले। ए ले ले बेटा ले ले। ए रख ले। हां शुक्रिया हां। जा कर दे हम। हां चलो पप्पू देख के जाओ। हां आते रहो। हां ठीक है, बैठो बैठो। आयो मेरा पान का डब्बा ऊपर ही भूल गया हूं, तू याद रखो मैं लाल दम जाको। ठीक है। हां रुको। अजय फूफा पान डब्बा भूल गया आप। हाँ हाँ होना बोल कर भूल गया हूँ। कहीं तो होना बोल के फूफू जैसा पैसे दे। मेरे को दिया फूफू रख लो बोल के। कमाए से पैसे पूरे लग जाको बैंक में डालता हो रहे, तेरी फूफू निकालती है रे, एटीएम का पिन भी नहीं बोलती है रे, एक 500 रुपये देना रहे बुशर्ट से लाल। मेरे को दिया उन्होंने रख लो बोल के फूफू। 500 रख ले, 500 दे। शुक्रिया। अच्छा अरे बेटा हाँ जा कर बोल, अम्मी सलाम बोला। हाँ देख के जाओ। अरे मामा तेरे चाचा की बेटी शादी करते नहीं गया? नहीं बुलाए रे, रिश्तेदार भी नहीं आ रहे। रिश्तेदार हम भी डायरेक्ट उधर ही गए रहे, घर को कोई भी नहीं है। रसम में गए ना रे? फिर रसम में गए रे, रसम में बुलाए, लेकिन रसम में क्या हुआ मानो रे, सब औरतें एक रूम में बैठ के है, मेरे आंटी के बेटियाँ सबको मेहंदी डाल रहे थे, लेकिन अम्मी कोने में बैठ के हंस रहे हो, आंखों में पानी आ रहा, मैं देखा कंट्रोल नहीं हुआ मामा मम्मी को, उनको कोई देख रहे भी नहीं, कोई मेहंदी भी नहीं डाल रहे, अम्मी को अम्मी की आंखों में तकलीफ दिख रहा, लेकिन क्या भी नहीं बोल सकते मामा नो, क्या बोल तो दूसरे जितने भी है आंटी के बेटियों को अच्छा देख लेते, ड्रेस आंदे लाते, पैसे देते, अम्मी नहीं कर सकते ना रे वो, कई बोल तो हम ना किराए घर में रहते, सिंगल पेरेंट है, बहुत मुश्किल मामा, लेकिन समझ में आ रहा मामा, हर रिश्तेदार पैसा रहे तो घर को आता, हर रिश्तेदार पैसा ही से वैल्यू बोल तो, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इज्जत को भी इज्जत मिलती मामा अगर पैसा जेब में रहा तो। वो क्या है कि गरीबी चौकट के सामने आते खींचे, खुशी खिड़की में से भाग जाती रहे। अम्मी को देख तो अच्छा नहीं दिखा रहे उस दिन, ऐसा पैसे कमाना सब मेरे घर को आना रहे उस दिन। कमाता के लेकिन फील ना कहो रहे, दिल साफ रख, एक ना एक दिन तेरे रिश्तेदार खुद तेरे घर को आते। न्याय तो भी कुछ भी नहीं, मगर अच्छा पैसे कमा के अच्छा देख लेना रे, बस देख लेता देख लेता, लेकिन शॉपिंग चल। Assalamualaikum, मगर वीडियो खतरनाक दिखे तो क्या करना है, लाइक करना, कुप्पा बोल तो कुप्पा असली भाई, जब क्या करना है कमेंट करना, और एक सीन तो भी अपने रिश्तेदारों में रिलेट हुआ तो जब क्या करना है शेयर करना, और नीचे लाल बटन दिख रहा ना सब्सक्राइब करो, उसके बाद में घंटी दिख रही ना कनपट्टी पे खींच के दियो, ठन बोल के नोटिफिकेशन आता सबसे पहले हमारा वीडियो देख सकते, और ऐसे रिश्तेदार आप लोगों के घरों में भी है तो कमेंट करो, रिलेट होता कैसा भी रिलेट होता भाई, कहीं बोलते रिलेटेड सीन हम लोग निकालते ज्यादा। तो मिलेंगे अगला वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़।